आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक भगतपुर टांडा स्थित गुलड़िया गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान जाहिद हुसैन हैं। जाहिद हुसैन के इस गांव में कुल वोटर संख्या लगभग 1650 है। वहीं बात अगर शिक्षा की करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 225 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। बात अगर गाँव में आने वाले लाभों की करें तो गाँव में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी तरीके के लाभों से गांव वाले लाभान्वित होते हुए भी दिखाई दिए। वहीं जब एबीपीएस न्यूज टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में प्रधान द्वारा लगभग 31 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जिससे पानी की आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। वहीं बिजली की व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव में 62 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। साथ ही साथ ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में 9 रास्ते बनवाए गए हैं और उनको सीसी रोडों में तब्दील भी किया गया है। उन्होंने बताया कि गाँव में उनके द्वारा शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया है और पात्रों को आवंटित भी किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को खुले में शौच न जाना पड़े और गाँव को शौच मुक्त भी बनाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि गाँव में आने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के पात्रों को आवास भी आवंटित किए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में नाले का निर्माण करवाएं, साथ ही साथ कब्रिस्तान का रास्ता भी सही करवाएं। उन्होंने 185 आवासों की और मांग की है और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराने के लिए भी गुहार लगाई है। मैं ग्राम प्रधान जाहिद हुसैन, ग्राम गुलड़िया, जिला मुरादाबाद, थाना मुंडा खंड। मेरे गांव में विकास की बहुत सख्त जरूरत है और कम से कम 185 के लपेट में मेरे गांव में घर कच्चे हैं। आवासों की सख्त जरूरत है, लिहाजा मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि मैं सरकार हमारे गांव की तरफ को ध्यान दे और उन लोगों की परेशानियों को हल करे। मैं चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारी सरकार चाहती है वैसे ही मैं चाहता हूं। और नाले निर्माण, पानी की निकासी की सख्त जरूरत है। तीनों दिशाओं में 6 नालों की जरूरत है और लंबे लंबे नाले हैं, लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ सरकार से कि वो हमारी आवाज़ को सुने। कम से कम 1000 मीटर या 1200 मीटर कच्चे रास्ते हैं मेरे गांव में, वो आरसीसी होने हैं। लोग परेशान हैं, गारा है, लोग प्रधान को भी बुरी भली कहते हैं, सरकार को भी गलत सलत कहते हैं कि सरकार हमारी तरफ को कोई ध्यान नहीं दे रही। लिहाजा मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि मेरे गांव को 1000 मीटर या 1200 मीटर रास्ते की सब जरूरत है। वहीं ग्रामीण भी प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि प्रधान द्वारा विकास कार्य बेहतर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा पैसा मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गांव में विकास कार्य बेपटरी होता नजर आता है। समझ गए, कोई आवाज नहीं आ रहा, पन्नी में रह रहे हैं, प्रधान के अपने पास चल देंगे ये बताओ।